स्कूल काउंसिल बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल है, कहाँ प्राइवेट स्कूल है, नहीं खुला होगा, फीस देने क्या फीस आप मेरी किसी ट्रेनिंग हुई अभी तो जी जो आप पहले गए थे वहाँ पे आए थे आप यहाँ पे अच्छी एक बात है कि यहाँ पे मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, मास्टर्स इन मैथमेटिक्स को मास्टर्स डिग्री है, एलिमेंट्री स्कूल हमें कितने बताए थे आपने, 7 5 5 8 8 का है इतनी बड़ी क्लास कोई सवाल है इनके पूछने के दिल कर सकते हैं तो वहां रहता हूँ, वैसे मैं लाहौर में रहता हूँ, काम मैं इसलिए आया हूँ मैं इसलिए आया हूँ बेटा कि मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया यहाँ पे, और प्रोग्राम मैंने इसका शुरू किया है कि जो हुकूमत के स्कूल है ना उनका म्याद बहुत अच्छा करने के लिए। आपका स्कूल बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, आपकी टीचर बड़ी है, मेहनत करती हैं, वहाँ पे कोशिश कर रही हैं आके, मगर आप पता है दुनिया में लाहौर कराची के स्कूल ऐसे होते हैं कैसे बेहतर होते हैं, क्या ख्याल है देखे नहीं, और क्या ख्याल आपको ऐसे बेहतर होंगे या ऐसे बेहतर, वो स्कूल का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ बच्चे बेहतर होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं, अल्लाह ताला ने तमाम बच्चों को इंसानों को एक जैसा पैदा किया, हर जगह जहां भी पैदा किया ना एक जैसा है, कोई लंबा होता है कोई छोटा होता है, कोई ज़्यादा तेज भागता है कोई कम तेज भागता है, किसी की सलाहियत पेंटिंग करने की होती है, किसी की सलाहियत ड्राइंग करने की होती है, किसी की सलाहियत कोई और होती है, मगर एक जैसे बच्चे होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों में से अगर आपको सही बच्चे बच्चों को पढ़ाया जाए डॉक्टर बन सकते हैं, बेहतरीन इंजीनियर भी बन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहो, ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, गलती है हम जैसे लोगों की जो हुकूमत में कभी कभी जाके बैठते हैं कि हम लोग सरकारी स्कूलों में जहाँ गरीब ज़्यादातर गरीब बच्चे पढ़ते हैं वो मेयार नहीं दे सकते जो बेहतरीन स्कूल में है। मेरी कोशिश ये है कि मैं इस तरह की हुकूमत के स्कूलों में हुकूमत की टीचरों के होते हुए ऐसा निज़ाम बनाएं कि जो पाकिस्तान के सबसे बेहतर स्कूल है ना वैसा हो, आप लोगों को वैसी चीज़ें करने को मिलें और सोचने को मिलें, और वो लेवल ऑफ पढ़ाई का जो उन स्कूलों में हो सकता है, आपको ये नहीं आपने देखा नहीं ना, तो अब हम करेंगे क्या इसको कैसे वैसे भाई आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा, अब ये मुझे नहीं पता कि ये आपका अकेला सवाल था या दोनों ने मिलजुल के बनाया सवाल। देखिए आपके स्कूल में जो सबसे एक तो बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि और होनी चाहिए,
उसमें होनी चाहिए। सबसे पहले आपको सही मयारी तालीम का मतलब बताना और मयारी तालीम के बारे में बताना और आपको दिखाना कि वो होती क्या है। वो किताबों से आती है, मयारी किताबें, अच्छी सहूलियात, बैठने की, खेलने की सहूलियात, आपको पढ़ने में जो मददगार अशिया होती हैं, ऑडियो विजुअल एड कहते हैं, बेहतरीन लाइब्रेरी, किताबें, असातिज़ा की ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तो आप में कोई कमी नहीं है कि आप उसको पा के और आगे ना निकल। सबसे पहले तो ये बात है, आपने कहा ना आपने देखा नहीं उसको बिहार का, तो हम आपको पहले पिक्चर दिखाएंगे, मूवी दिखाएंगे टीवी की, ताकि आपको दिखाएंगे दुनिया में क्या होता है, दुनिया कितनी बड़ी, बहुत बड़ी दुनिया है, और वहाँ पे सही स्कूल क्या होता है, वहाँ की लड़कियाँ कैसी बातें करती हैं, वहाँ की लड़कियों की खेल कूद में क्या करती हैं, आपस में बहुत सी और चीज़ें होती हैं जो ड्राइंग करती हैं, जो और भी इनको भी दुनिया दिखाएंगे, इन्होंने भी शायद ये वाले स्कूल ही देखे, आपने देखे उनको कहाँ, कहाँ पेशावर में, तो आप बताएं कि वो जो स्कूल बीएमई स्कूल है वो ऐसे हैं है जी, वो डिफरेंस है क्या डिफरेंस बताएं ना, आप बच्चों को, आप खड़े हुए थे बच्चों को बताएं क्या फर्क है, हर चीज चेंज है, और आप लोगों का ये है कि आप जरा बैकवर्ड इलाके से हैं, आप लोग उठ के आते हैं क्लास में और बस बैठ गए, और यहाँ पर कोई एक्टिविटीज नहीं होती, कोई फंक्शंस नहीं होते, तो इनकी जो माइंड ग्रोथ है वो बहुत कम होती है, इसमें इस वाले सिर्फ बुक्स को हटवा दिया जाता है और वो बुक्स पढ़ लेते हैं और बस। मगर एक और फर्क भी है ना, इंसान का, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है पता है, बोलो बोलो बेटा आपकी बारी बोल रही, इसकी बारी खत्म हो गई, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, सबसे बड़ी ताकत क्या होती है इंसान, आपका ताकत इंसान की सबसे बड़ी क्या, इंसान का दिमाग अशरफ और मखलूकात अल्लाह ताला ने बनाया, अल्लाह ताला ने जो फर्क डाला है ना वो है दिमाग, आप सबके दिमाग आप सोचते हो ठीक है, हम क्या करते हैं स्कूलों में, हम कहते हैं सोचना बंद कर दो, रट्टा मारना शुरू कर दो, आंखें बंद कर दो और बस ये रट्टा मार दो, हिफ्ज़ तो कुरान भी कर लेता है इंसान तो, मगर ये हिफ्ज़ कुरान करना तो एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत कम लोगों को ये अल्लाह ताला तौफीक देता है, मगर स्कूल में आके दिमाग बंद नहीं करते, दिमाग को खोलना होता है, दिमाग को खोलना होता है, आप लोगों को खुद दिमाग इस्तेमाल करके पढ़ना चाहिए, इसकी मतलब क्या है, खुद सोच के, ये नहीं कि आप मतलब मगर आप इसको और आगे ले, तो आप लोगों का दिमाग इस्तेमाल करोगे, तो दिमाग अल्लाह ताला ने दिया इसी काम के लिए, सबसे बड़ी ताकत इंसान की दिमाग है, इसी तरह अगर हमारे स्कूलों में सब बच्चे इस तरह के हो जाएं तो ये मुल्क में तब्दीली आ जाएगी, एक इंकलाब आ जाएगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता गुरबत भी ख़त्म हो जाएगी, ये बहुत कम रह जाएगी, क्योंकि ये मैं इसके ये नहीं कह रहा कि मैंने के सोच के आया, दुनिया में ऐसा हुआ है, दुनिया में कौमें हैं जिन्होंने सबसे बड़ी जो मिसाल है वो चाइना है, चीन, बैठे बैठो उस कौम गरीब थी, भूखे थे, बुरा हाल था, इस हमारे से ख़राब हाल था, मगर उन्होंने अपने स्कूल ठीक किए, उन्होंने अपने हालात ठीक किए और आज वो एक दुनिया की बड़ी ताकत बन गई, हमारे सामने वो है 20-25 साल से, हमारी मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरा मेरी कोशिश है कि आपके स्कूल भी उस मैार के हों जैसे दुनिया के स्कूल, और मैंने एक इधारा बनाया है और ये इधारे के इशार है यहाँ पे रोकना में अकबर साहब, और ये आस्था ये है आप इनके सभा जो वहाँ इनके साथ काम कर रही हैं, जो ये कराची डॉक्टर दबा गई हैं, ट्रेनिंग भी इनकी हुई है, अभी मैं इनसे कहूँगा ये बताएंगे आपको क्या फ़र्क है मेरे स्कूल में और इन्होंने क्या फ़र्क देखा जब ये हमारे पास आई थी, क्या भाई तीन महीने तो ये भी आपको बताएगी, मगर मैंने कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि इस पूरे रोहतांग के कुछ 84 स्कूल हैं 6 यूनियन काउंसिल में जो इस इदारे ने लिए हैं ग्रीन एजुकेशन फाउंडेशन ने, और हमारी कोशिश होगी कि हमको एक ऐसी मियार बनाए कि सारा पाकिस्तान आगे देखे कि हुकूमत के स्कूल बेहतरीन चल सकते हैं और हुकूमत के स्कूल में टीचर्स हुकूमत के बेहतरीन पढ़ा सकते हैं और शहरों वाला मेयार बेहतरीन शहरी स्कूल से भी बेहतर करेंगे आप इंशाल्लाह। अब आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं।
तीन महीने हुए आपको, आपने थोड़ा सा देखा, थोड़ा देखा होते थे कि क्या तब्दीली आ सकती है उस बारे में बच्चों स्कूल इसमें इन स्कूलों में क्या तब्दीली आ सकती है, हमारा करना क्या चाह रहा है स्कूल में बहुत तब्दीली आ सकती है, हम छोटी छोटी कोशिशों से हम बहुत तब्दीलियाँ लेके आ सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी जो मैंने कराची में देखा कि वहाँ पर किस तरह लड़कियाँ जो हैं म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट ले रही हैं, म्यूज़िक के साथ भी वो उनकी लर्निंग हो रही है, उनकी हॉर्स राइडिंग भी हो रही है, रोलिंग स्केटिंग भी हो रही है, मतलब वो चीज़ें जो हम सोचते हैं कि लड़कियाँ नहीं कर सकती वो चीज़ें मैंने वहाँ देखी हैं लड़कियों करते हुए, और यहाँ भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट वहाँ मैंने देखा मट्टी से बच्चों ने बहुत सारी जो है ना मॉडल्स बनाए, हमारे लिए तो यहाँ बहुत आसान है बनाना, छोटी छोटी चीज़ें बना सकते हैं हम, लेकिन हमने कभी ट्राई नहीं किया। और इसके अलावा आर्ट में मैंने देखा, आर्ट में बच्चे आप लोगों को मतलब घर में जो है घर की चीज़ों से बनाई हुई बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती जिनको हम डर समझते हैं उनसे हम आर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, उन चीज़ों को आर्ट में लेके आ सकते हैं, आर्ट में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ इस तरह देखा मैंने, और वो हम मतलब करेंगे तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अच्छा मैं आपको बताऊं, बड़ी मेहमान, थैंक यू, वेरी गुड। एक छोटी सी तब्दीली पहले पहले जो आएगी, क्या ये देखा क्लासरूम कैसा है, बहुत बड़ा है ना, दीवारों में कुछ ही है, कभी अच्छे स्कूल में जाओ दीवारें भरी भरी होती हैं, बड़ी बड़ी चीजें जो बच्चों ने खुद बनाई होती है, जो बच्चों ने लिखना होता है वैसे ही लिखने होते हैं, भरा पड़ा होता है, और जब कमरे में जाओ तो बड़ा खुश होता है, देख रंग बिरंगा होता है माहौल जो होता है उसमें जज्बा बहुत होता है। ये सब आपके साथ होगा इंशाल्लाह ताला, फिर मैं आऊँगा, कब आऊँगा वापस यहाँ, छः महीने बाद, छः महीने देखूँगा आके कि यहाँ से दिल्ली हुई है कि नहीं, छः महीने बाद मुझे ले आऊँगा, जब छुट्टियाँ आ जाएगी गर्मी होगी उसके बाद। मगर आप लोगों ने सवाल पूछा, मैं दो क्लासों में गया हूँ लड़कों की, किसी ने सवाल नहीं पूछा, कमाल है कमाल है, मैं देख रहा हूँ, वैसे हमारे इलाके की जो लड़की है ना वो लड़कों से तेज है, ये मान्य है। ठीक रहेगा, चलो जी, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बच्चे कोई नहीं है, बेस्ट ऑफ रिसोर्सेस
टीचर छः हैं, छः 24 बच्चे, 24 नहीं होगी बच्चे, 14 है ना, 24 हैं। अच्छा सारी आती कितनी है? आती सारी हैं, लेकिन आज बारिश की वजह से, मैं वही बताया ना, कन्वेंस का मसला है। टाइमिंग क्या, टाइमिंग क्या, टाइमिंग टाइमिंग 8:30 से 2:30 बजे तक। बात ये सिर्फ ये है कि निजाम को किस तरह से बेहतर करने को आप पता कर लें, अगर आप मदद की जरूरत है, अगर मांगे मदद से, ठीक है, जबरदस्ती कुछ नहीं, ठीक है, नहीं जी मांग लेंगे, वो कन्वेंस तो जरूर मांग लेंगे। निजाम के बारे में भी बहरहाल। ओके जी।